पंजाब के अंदर आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस दिन से मुख्यमंत्री मान ने सत्ता संभाली है उस दिन से ही लगातार पंजाब के अंदर सुरक्षा के को लेकर ऐसे घटनाएं हो रही हैं जिससे कि सरकार यहाँ पर संदेह के दायरे में आती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि फिलहाल चाहे वो खालिस्तान का मुद्दा हो जो कि राज्य के अंदर से ही उठ रहा है या फिर पाकिस्तान समर्थित ताकतें हों, दो तरफ से आपको बता दें कि पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज भी बांग्लादेशी नागरिक खुद को दावा करने वाले व्यक्ति की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई। बीएसएफ के जवानों की तरफ से हालांकि इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया, गिरफ्तारी हुई है युवक की। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, राज्य सरकार पर जवाब देने की बात कही जा रही है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि विधानसभा से लेकर तमाम जगहों पर फिलहाल विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी है और लगातार पंजाब सरकार के ऊपर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इतनी बड़ी जो घटनाएं हैं पंजाब के अंदर वो हो रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। कब तक सरकार की तरफ से इन तमाम घटनाओं पर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा, कब तक सरकार की जो व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था है वो प्राथमिकता पर नहीं रहेगी, ये तमाम बातें विपक्षी पार्टी चाहे वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस हो इन दोनों की तरफ से उठाई जा रही है। बीजेपी की तरफ से फिलहाल मोर्चा खोल दिया गया है और लगता है कि फिलहाल पंजाब के अंदर तमाम तरीके के जो विरोध प्रदर्शन है वो होने वाले हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। देखना होगा बहरहाल कब तक इन तमाम घटनाओं को लेकर जो जवाब है वो मुख्यमंत्री सामने आकर देते हैं और सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर लगाम लगा पाती है।